अबे जिंदा है मर गया मतलब इनको हाथ में लेंगे। यहाँ पे हमारे साथ जो भी हुआ क्रीपी क्रीचर्स। So hi guys, what's up? It's me Arif Sheikh and welcome back to my YouTube channel. I hope you're all doing absolutely fine. First of all, thank you for 2000 subscribers. आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया लास्ट वाले ब्लॉग में और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया. थैंक यू सो मच फॉर दैट. मूविंग फॉरवर्ड टू द ब्लॉग, आज का जो ब्लॉग है वो काफी क्रेजी होने वाला है क्योंकि हम एक जू में जा रहे हैं जहाँ पे अलग तरीके के क्रीचर्स हैं एंड हम उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. सो इस बार मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, इस बार मेरे साथ जा रहा है मेरा दोस्त समी. आपने उसको पिछले कई सारे ब्लॉग्स में देखा होगा. वो अभी निकलते हैं, मैं उसके पहले घर पे जाऊंगा, उसको पिक करूंगा एंड देन वहां से हम ट्रेन लेंगे एंड देन जू. सो स्टे ट्यून. तो मेरे सब ब्लॉग्स देखता है, सब देखता है. Yes. कौन सा और अच्छा लगा? सब अच्छा लगा. तो गाइस अभी हम लोग दादर स्टेशन पे आए हैं एंड यहाँ से ईस्ट में जाके ऑटो लेंगे. ईस्ट में ही है हम लोग, फिर ऑटो से डायरेक्ट जू पे. ऑलराइट सो गाइस हम आ गए हैं मरीन एक्वा ज़ू पे. बहुत ढूंढना पड़ा तब जाके मिला. तो अभी जाते हैं अंदर एंड देखते हैं क्या होता है क्या नहीं. मेरे से जितना होगा मैं वो कैप्चर करने की कोशिश करूँगा. तो अभी चलते हैं. सो गाइस अभी हम लोग अंदर आए हैं एंड फिशेस से स्टार्ट हुआ है. फिश है एंड यहाँ पे एक टर्टल है जो कि बहुत डरावना लग रहा है. तो यहाँ पे तो फिलहाल अभी नॉर्मल फिशेस है एंड अंदर एक बड़ा सा एलिगेटर है, वो थोड़ा यूनिक लग रहा है तो मैं आपको बताता हूँ. वो कुछ कर टॉमी. अबे कुछ कहता है क्यों? टॉमी हिल फिगर. अबे जिंदा है मर गया? मैं जैसे यहाँ की टिकट है वैसे लग रहा मर गया. इसका नाम एलिगेटर गार कुछ तो भी है, पॉज करके पढ़ लेना. बाकी और यहाँ पे कुछ दिखाने लायक नहीं है फिशेस के. इसमें एक और टर्टल है इसके अंदर. अबे कैसा अंदर बाहर इसकी खतना नहीं हुई. ऐसा आइटम मेरे पास मत लाओ. तो गाइस अभी ये और इसके बाजू में जो है इससे इंटरेक्शन होने वाला है. मतलब इनको हाथ में लेंगे, हाथ या फिर कंधे पे बिठाएंगे इनसे. और यहाँ पे एक स्नेक भी है, इनके साथ भी जो है इंटरेक्शन होने वाला है इसके साथ. तो अभी इनको ये बाहर लेके आएंगे. जैसे कि आप देख सकते हो अंदर है ये और वहाँ पे वो है. तो अभी इनको बाहर लेके आके हम इनको ऐसा हाथ में लेंगे. यहाँ पे एक और है बड़ा वाला स्नेक, मैं आपको बताता हूँ. तो यहाँ पे और भी बहुत कुछ है लाइक टर्टल्स है और यहाँ पे रैबिट है. मैं आपको रैबिट बताता हूँ. खाली नॉर्मल टच कीजिए. आ रहा भाई दो मिनट. नहीं भाई दांत नहीं निकालता, दांत भी नहीं निकालते हम लोग. हम लोग सफेद लोग नहीं है, रेस्क्यूअर्स है भाई. ये लोकल राम भाई चार तक खाली बस. हाँ बस ऐसा रख. आप लंबो रे सो हो गया. आवाज आ रही है. वाह ये तू है ना.
आपका ना स्नेक का? हाँ हाँ ओके गाइस, तो इनका नाम है टाइगर कैट। पता नहीं कौन से एंगल से इनको बोला जा रहा है टाइगर कैट, या तो फिर ला के सिर्फ कलर विलर करके रख दी अंदर। मियाओ मियाओ, हाँ मियाओ पे रिस्पॉन्ड नहीं करे, मतलब टाइगर कैट ही है भाई। आपका नॉलेज तो कमाल का है। वहाँ पे सब क्रीचर्स थे और यहाँ पे हमारे साथ जो भी हुआ, क्रीपी क्रीचर्स। मेरे को तो यहाँ पे नोचा भी उसने, लेकिन अभी कुछ महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन जब तभी नोचा था ना उसने, तभी बहुत दुख रहा था। कितना कुछ करता हूँ मैं ब्लॉग के लिए और तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तुम लोग क्या, लोग सर ये सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक? कोई बात नहीं, छोड़ो। ऑलराइट, तो यहाँ पे टर्टल्स भी है, लेकिन इनको हाथ में लेने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि टर्टल नहीं पसंद मेरे को, क्योंकि इसने रैबिट को हरा दिया था। वी आर फ्रॉम टीम रैबिट। वहाँ पे रैबिट को आपको दिखाया मैंने, वो भी है यहाँ पे भी है अंदर। टर्टल का ये पूरा पॉन्ड है। एंट्री में यहाँ पे आपको हैंडमेड, क्या बोलते हैं इसको, पॉन्ड्स, यहाँ पे भी फिश है जो हम लोग निकल रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग बाहर आ गए क्योंकि और कुछ था नहीं अंदर दिखाने को, एंड अभी बारिश है इसलिए और कुछ इन्होंने ऐड नहीं किया है। बारिश के बाद और भी चीज़ें आएंगे, तो हमें बारिश के बाद ही आना चाहिए था, लेकिन मैं आज आ गया, तो मेरे से जितना हुआ मैंने उतना कैप्चर किया। तो अभी देखते आगे क्या कर पाते। ऑलराइट गाइस, तो जू से निकलने के बाद थोड़ा आगे चल के हमको एक पार्क मिला है, तो अभी पार्क में जाके देखते हैं। व्यू यहाँ से अच्छा लग रहा है, तो अंदर जाके देखते कैसा रहता कैसा नहीं, फोटोज़ वगैरह ले लेंगे और थोड़ा सा चिल कर लेंगे। तो अभी चलते हैं अंदर एंड देखते हैं। ऑलराइट, सो गाइस, जू के बाहर थोड़ा आगे चल के ये ब्यूटीफुल गार्डन था, गार्डन प्लस चौपाटी भी है यहाँ पे बाजू में, लेकिन बारिश की वजह से बंद है। चौपाटी मीन्स बीच टाइप जैसा होता है वो, और यहाँ से बहुत प्यारा व्यू आ रहा था, तो हम लोग यहाँ पे आए एंड कॉर्न वगैरह खाए। तो अभी देखते आगे और क्या कर पाते हैं। फिलहाल तो इतना कुछ ही था यहाँ पे, जू में भी बहुत कम चीज़ें थी, तो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। ओके, सो आई एम बैक होम एंड दैट्स इट फ्रॉम टुडेज व्लॉग। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। वैसे जितना हुआ मैं उतना कैप्चर किया, और काफ़ी सारी चीज़ें जू में बंद थी ड्यू टू मॉनसून, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है मुंबई में, तो ज़्यादा हम वहाँ पे एक्सप्लोर नहीं कर पाए। आई होप आपको मज़ा आया रहेगा, एंड जू का लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हो और आप विजिट भी कर सकते हो। और अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लो, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे रेगुलर रहता हूँ, यहाँ मेरा अकाउंट कहीं पे भी आ जाएगा। सो या सी यू एट द नेक्स्ट व्लॉग।